हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एसेम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी टी वाई बी कॉम्स सेमिस्टर फाई टैक्सेशन एम सी क्यूज तो ये टैक्स के एम सी क्यूज बाकी के भी जो स्टूडेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं ऐसे नहीं कि ओनली टी वाई बी कॉम के स्टूडेंट्स यूज करेंगे तो so, अगर आपको टैक्सेशन का सब्जेक्ट है और एम सी क्यू से आपके सारे कंसेप्ट इसमें रिवाइज होने वाले हैं तो ये वीडियो आप रेफर करें तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डायरेक्ट टैक्स के इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में बन सकते हैं और उससे आपके काफी सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो सकते हैं तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना है ताकि आपको अगले बार वीडियो डालूंगा तो आप वीडियो ना मिस करें आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम ताँट बेसिस पे आते जाएगा तो स्टार्ट करते हैं दिस इज द पार्ट वन आपने जैसे कमेंट किया था वैसे आपको टैक्स के एमसीिक्यू की सीरीज में अभी ला क्वेश्चन नंबर वन अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज देखो पेंशन दो टाइप का होता है एक होता है कम्यूटेड पेंशन और एक होता है लम्स अनकम्यूटेड पेंशन तो कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम पेंशन और अनकम्यूटेड का मतलब होता है पीरियोडिकल या मंथली पेंशन तो यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्ट होगा ध्यान रखना अनकम्यूटेड पेंशन इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर फुली एग्जेट है फुली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम टू वन थर्ड एग्जाम तो राइट right आंसर इसका है फुली टैक्सेबल तो अनकम्यूटेड पेंशन जो होगा आप दोनों के दोनों प्राइवेट एज वेल एज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है लेकिन कम्यूटेड पेंशन जो होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्ट है और प्राइवेट एम्प्लॉय रहा तो उसमें फिर कैटेगरीज आते हैं वो हम आगे एक एक करके लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो अ पर्सन विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ़ ही स्टेज इन इंडिया फॉर तो रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन सिक्स मैंने काफ़ी सारे उसके ऑलरेडी थेरोटिकल लेक्चर्स लिए थे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं तो अगर एक इंडिया का पर्सन है उसको हम रेसिडेंट मानेंगे या इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे अगर वो सेक्शन सिक्स के कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वन एट्टी टू डेज वन एटी डेज सिक्सटी डेज या हंड्रेड डेज तो राइट आंसर इसका है अ पर्सन हैज टू इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर टू बिकम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वन एटी टू डेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ये एग्जामिशंस के क्वेश्चन है एग्जेबिशंस और डिडक्शंस को ध्यान से पढ़ के रखें मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस डाले हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं अवार्ड रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट ईस्ट तो अवार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा दैट इज एग्जैम्प अंडर सेक्शन सेवनटीन तो सेक्शन सेवनटीन के बेसिस पे वो एग्जेंट है टेन सेवनटीन सेक्शन टेन इज एक्समशन और सेवनटीन उसका सेक्शन है फुली एग्जाम पार्टीबल थर्ड एग्जाम राइट आंसर है fully exempt. Government की तरफ से अवार्ड मिला होगा तो वो फुली एग्जाम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर द मैक्म अमाउंट ऑफ डिडक्शन और एंटरटेनमेंट अलाउंसेज तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है सैलरी चैप्टर में आता है और ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है प्राइवेट एम्प्लॉय को ये डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन उसकी लिमिट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है डिडक्शन मिलेगा और उसकी लिमिट क्या है टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड या ट्वेंटी थाउजेंड तो रिमेम्बर इज द लिमिट फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड सेक्शन ट्वेंटी फोर इज थर्टी थाउजेंड वन लैखी तो रिमेम्बर सेक्शन ट्वेंटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है मैंने आपको काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे तो उसके लिए लिमिट है अगर वन अप्रैल 1999, दैट इज फर्स्ट अप्रैल 1999 के पहले अगर लोन लिया रहेगा तो थर्टी की लिमिट है फर्स्ट अप्रैल के बाद अगर लोन लिया रहेगा तो टू लाख रुपीज है तो टू लाख रुपीज इज आंसर फॉर क्वेश्चन अंडर सेक्शन एट्टी ट्रिपल सी तो एट्टी ट्रिपल सी में क्या आता है पेंशन प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड टू लैख या एट लैक्स तो उसकी लिमिट कितनी है उसकी लिमिट है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो एक लाख पचास हजार आपकी लिमिट बन जाएगी एट्टी ट्रिपल सी में दैट इज पेंशन प्लान का इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन नंबर सेवन गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड इट इज एग्जेप अप टू रूपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड या फुल्ली एग्जैम्ड तो गिफ्ट अगर फादर मदर या रिलेटिव से मिलेगा तो पूरा का पूरा एग्जाम है अंडर सेक्शन फिफ्टी सिक्स लेकिन अगर गिफ्ट हम फ्रेंड से लेंगे या फ्रेंड से हमें कोई भी गिफ्ट मिलेगा तो उसके लिए लिमिट है फिफ्टी थाउजेंड तक अगर कोई भी गिफ्ट मिला तो कोई टैक्स नहीं है लेकिन फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर जाएगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा जैसे अगर फिफ्टी वन थाउजेंड बना तो फिफ्टी वन थाउजेंड में से फिफ्टी थाउजेंड एग्जैम नहीं होगा फिफ्टी वन पे पूरा फिफ्टी वन पे टैक्स लगेगा तो इसका लिमिट कितना याद रखना है फिफ्टी थाउजेंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सैलरी द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन और सैलरी इज रुपीज फोर्टी थाउजेंड ग्रॉस सैलरी और रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विचर इज लेस नेट सैलरी और रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लेस रुपीज वन लैक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है दैट इज टैक्सेबल तो इसका डिडक्शन मिलता है सैलरी के चैप्टर में और वो कितना होता है उसके लिए लिमिट है ग्रॉस सैलरी की जो भी अमाउंट रहेगी वो अमाउंट या पचास हजार डायरेक्टली विचेवर इज लेस तो इसका राइट आंसर है ग्रॉस सैलरी और रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विचेवर इज लेस नाइन्थ

प्रीवियस ईयर इज एंड पीरियड ऑफ तो सेक्शन थ्री जो है वो इनकम टैक्स एक्ट का नाइनटीन सिक्सटी वन डिफाइन करता है प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर कितने मंथ्स का होता है ट्वेल्व मंथ्स थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स नाइन मंथ्स तो प्रीवियस ईयर होता है ट्वेल्व मंथ्स का तो ट्वेल्व मंथ्स का हमारा प्रीवियस ईयर होता है दैट इज फ्रॉम दिस सेक्शन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ये सीरीज अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और अगर आपको ये इससे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या फिर कोई भी आपको इसमें क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आओ तो आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना तो दैट उनका भी ये एम सी उसका जो रिवीजन है उससे कंसेप्ट क्लियर हो सके थैंक यू वेरी मच फॉम दिस सेशन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर